नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि OLT से आप अपने सेंटर पर बैठकर ही ONU का वाईफाई का पासवर्ड और साथ ही ONU का लॉगिन पासवर्ड कैसे बदल देख सकते हैं और साथ ही कैसे बदल सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है, इसका जरूरत आपको अधिकतर पड़ती है, इसके लिए आप कस्टमर के घर पर जाते हैं। तो अब कस्टमर के घर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सेंटर से ही आप कस्टमर के वाईफाई का पासवर्ड घर बैठे ही बदल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम ओपन करते हैं मोजिला और यहाँ पर ओपन करेंगे OLT। तो OLT का जैसे कि आपको मालूम ही है, डिफॉल्ट OLT को कैसे ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपको पासवर्ड भी लिखना है। और करते हैं लॉगिन। दोस्तों यहाँ पर OLT हमारी ओपन हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर जाना है। सबसे पहले आपको ONU पर, और ONU में जाने के बाद आपको ONU सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करा दूं कि जिन ONU में ये टाइप में आप देख रहे हो 1G+1 FE 1 port 4 Wi-Fi, या ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्हीं में आप पासवर्ड और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे 1G लिखा है, इनमें आप नहीं कर सकते, दिखाऊंगा कैसे। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि ये ONU है, इनका हमें देखना है पासवर्ड और पासवर्ड बदलना भी है। तो जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन पर। यहाँ पर ऊपर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आना है वाईफाई पर। वाईफाई आने के बाद यहाँ पर देखिए, जो पहली SSID है ये इंडियन बैंक CSC के नाम से है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये इनका करंट का ही, अभी ये दिखा रहा है यहाँ पर कौन सा आपका वाईफाई है जो इस समय सेटिंग में सेव है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप SSD जो आ रहा है SSID, यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हैं आप नाम रख लीजिए, और जो पासवर्ड भी रखना चाहते हो वो पासवर्ड रख सकते हैं, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो पासवर्ड लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आप वाईफाई का पासवर्ड आप बदल सकते हैं। दूसरा, अगर इनका ये देखने के लिए लॉगिन ID पासवर्ड क्या है, तो आप जाएं एडवांस में, सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी के बाद आप यहाँ पर दिख जाएगा कि इसका एडमिन नेम क्या है और यूजर नेम ID और पासवर्ड क्या है, और साथ में एडमिन ID और पासवर्ड क्या है। तो कई बार कस्टमर पूछता है, आप 50 कस्टमर के पास हैं, आप सबकी यूजर ID पासवर्ड नहीं याद रख सकते, और अलग अलग कंपनी के ONU होते हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा इन्होंने पासवर्ड रखा हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका वाईफाई चेंज करने का तरीका। और चलिए एक कस्टमर की क्वेरी आई है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस कस्टमर के हम ONU में गए, देखते हैं कि जिस कस्टमर का हम बदलना चाह रहे हैं तो उनको अभी है नहीं। तो जैसे कि इनका बदलना है तो कॉन्फ़िगर में जाइए, आप यहाँ पर वाईफाई में जाइए, और यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, SSID 2 में हम कुछ दूसरा नाम रख देते हैं। और पासवर्ड अगर आपको इनेबल करना है इनको, वाईफाई इनेबल कर दीजिए, और यहाँ पर अभी ओपन है। अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो WPA PA2 या WPA PA2 PS, आप कोई भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए और कर दीजिए सबमिट। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आप SSID का नाम है स्पेस नहीं होगा, तो हमने हटा दिया। बस दोस्तों देखो, ये सर्विस दोस्तों अब लग जा चुकी है SSID 2 में। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से वाईफाई का पासवर्ड आप रख सकते हैं। अगर इनका जैसे हमें पासवर्ड देखना हो लॉगिन वाला, तो वही कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर
एडवांस में देखते हैं। एक चीज दोस्तों बता दूं कि सभी ऑप्शन सभी में नहीं खुलते, यहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे इनका, ठीक है दोस्त। जबकि अगर हो सकता है जैसे कोई दूसरा देखते हैं, जैसे ये है तो इनके सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी में आप पासवर्ड देख सकते हैं, देख पढ़ा, साथ में वाईफाई में आप वाईफाई देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा रहा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।